प्रभारी बसपा बुंदेलखंड लालाराम अहिरवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर जयराम सिंह बछेउरा को प्रत्याशी तईद्वारी की घोषणा की। इसके उपरांत तईद्वारी विधानसभा बसपा प्रत्याशी जयराम सिंह बछेउरा ने प्रेस वार्ता की। ब्रजेश जाटव प्रभारी बुंदेलखंड, बलदेव वर्मा मंडल प्रभारी, धीरज राजपूत बसपा प्रत्याशी सदर बांदा आदि रहे। रिपोर्टर नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। उस विधानसभा में आज हमने पत्रकार बंदियों मीडिया को आज हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ इन चुनाव को लड़ेगी। तो उसी तिवारी विधानसभा में बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर, तिवारी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू साथी, जो काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ डटकर खड़े हैं। तो आज बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर, श्री जयराम सिंह जी जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, कई बार अभी भी सदस्य हैं, उनको तिवारी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी प्रत्याशी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज घोषित किया जाता है। आगामी 2022 में इस विधानसभा से वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस संदर्भ में यही जानकारी देने के लिए आप मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया गया। प्रभारी जी हमेशा जो है बसपा के टिकट बदलते रहे हैं, तो क्या जयराम सिंह का टिकट पक्का माना जाएगा? देखिए, जयराम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ये कोरी अफवाह है, कोई टिकट नहीं बदलेगा। आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं कि हमने जो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं वो हमारे प्रत्याशी 2022 के चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में रहेंगे। अभी एक अतर्रा में खास रैली की गई थी, उसमें बसपा कद्दावर नेता मिश्रा जी आए थे, वहाँ पर कई प्रत्याशियों का टिकट का ऐलान किया गया था, लेकिन तिवारी विधानसभा की बात की। अब क्या खास बात घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, क्योंकि उस समय तिवारी विधानसभा के संदर्भ में हमारी आदरणीय बहन जी से बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद हमने माननीय जयराम सिंह जी और हम लोगों ने, सारी कार्यकर्ताओं ने, हमारे बिल्डिंग कार्यक्रमों में बलदेव भाई सतीन जी जिलाध्यक्ष, सारे लोग थे, जब इनकी बात रखी तब माननीय बहन जी ने हमें निर्देश दिया। तो उस समय नहीं हो पाई थी, लेकिन आज आदरणीय बहन जी के निर्देश पर ही हम यहाँ आए हैं और आप समस्त पत्रकार बंधुओं को बुलाकर हमें निर्देशित किया गया आदरणीय बहन जी ने, मीडिया को बुलाकर और मीडिया के सामने जयराम सिंह जी की प्रत्याशी प्रभारी की घोषणा की। आप उत्तर प्रदेश में सरकार बीएसपी बना रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकार बनाने का काम किया है, जिसमें 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है। उस सरकार के जो कार्य थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे नौजवान बेरोजगारों को लाखों नौकरियां देने का काम हो, ये आदरणीय बहन जी की सरकार में ये काम हुए हैं। तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि चाहे अखिलेश हों, चाहे योगी जी हों, इनसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जाएगा। आज दबी जबान से विरोधी पक्ष के लोग भी बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते हैं कि अगर इस प्रदेश को कोई संभाल सकता है, गुंडा राज से मुक्ति दिला सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है, तो वो एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आगामी चुनाव का? आगामी 2022 में प्रदेश की जनता, महान जनता भली भांति जानती है, वो उत्सुकता से इंतजार कर रही है कि कब हमें वोट डालने का मौका मिले और हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करें और बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का जो पांचवी बार पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाए। क्या लग रहा है कि बसपा के मुख्य मुद्दे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। तो जिस तरह से हम लोगों ने चार बार की सरकार में प्रदेश के विकास कार्य किए हैं, चाहे नौजवानों को नौकरी हो, चाहे किसानों की आय दुगनी हो, तमाम ऐसे विकास कार्य किए हैं, तो जनता जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा, विकास होगा, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी
और प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश की महान जनता जानती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों में आप यहाँ से जीतेंगे? देखिए, जिस तरह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी को मीडिया के माध्यम से कमज़ोर आंका गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का 2007 में हमें इस प्रदेश की महान जनता ने मौका दिया। तो उसी तरह 2022 में जब इस प्रदेश में चुनाव होंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो हम भरोसे और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की पांचवी बार पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री होंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि बसपा अंबेडकरवाद से